नमस्कार। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी सीनियर जर्नलिस्ट हेतल चौहान गोहिल। हेतल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये डी कुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं। हेतल जी सो मच जी, यामिनी बहन जी, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू हेतल। और हेतल के बारे में, हेतल चौहान गोहिल, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, लेकिन आज हम जानने की वो कोशिश करेंगे कि वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है और लास्ट मतलब कि 25 साल से वो पत्रकार रत्व के क्षेत्र में कार्यरत है। और लास्ट अब कहा जाए तो अभी वो नव गुजरात समय में वो चीफ सब एडिटर पद में वो कार्यरत है और ट्रैवल ब्लॉगर भी है। साथ में उन्होंने उनकी जो लाइफ जर्नी है, आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे हेतल जी कि आपको ये फील्ड क्यों पसंद आया और इसमें आप कैसे गई। एक जर्नलिस्ट फील्ड एक महिला जब करती है तो ज़रूर एक पूछना पड़ता है कि क्यों आप इसमें गई। सबसे पहले तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था जी, मतलब ना ही तो डॉक्टर बनना था ना ही तो इंजीनियर बनना था, क्योंकि आज भी यही एक क्रेज़ है कि बच्चों को बड़ा होके क्या बनाना है जी। तो मैंने उस वक्त ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, मतलब बहुत कम वुमेन्स थी जी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ अलग करूँगी। और उस वक्त मैं बहुत पढ़ती थी क्योंकि मेरे जो फादर थे वो प्रोफेसर थे, तो हमारे घर में इतने सारे मैगजीन्स आते थे, तो मेरी पढ़ाई बहुत थी, मतलब मैं बहुत कुछ पढ़ती थी। इसी वजह से फाइनली आई डिसाइड कि मैं ये क्षेत्र में जाऊँ। और मैं बड़ौदा की हूँ बेसिकली, तो मैंने ट्राई किया यूनिवर्सिटी में, एमएस यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त वहाँ पे एक साल तक ही वो कोर्स चला था क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे जी। उसके बाद मैंने अहमदाबाद ट्राई किया जी, तो अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोर्स चल रहा था जी। और मैंने एमएस यूनिवर्सिटी में एमएस अपना आधा छोड़ के अहमदाबाद में एडमिशन लिया स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। और वहाँ हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो थे रघुवीर जी चौधरी जी। और उन सब के पास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक बात ये है कि हमने जो जर्नलिज्म में पढ़ा, मतलब वो कुछ भी, मतलब जब फील्ड में उतरे तो उसमें से कोई चीज़ हमें वो पढ़ाई काम नहीं आई जी, क्योंकि फील्ड एक पूरा डिफरेंट होता है जो आप मतलब उसमें उतरते हैं तो बहुत अलग तरह का ही अनुभव होता है जी 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 जी। तो मैं लोगों को, मतलब जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी यंगर्स है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई क्रेज़ है जर्नलिज्म का कि ये कर दूँ वो कर दूँ, तो आप प्लीज़ अपने कैरियर उसमें आगे मत बढ़ाइए। अगर आपको एक पेशन है, जुनून है, आपको कुछ करने की चाह है, तो फिर आप उसमें ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं जी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही हेतल जी आपने। पर जी, ये जो 25 साल के सफ़र में जब से आपने शुरुआत की और वहीं से अभी तक का भी आप यही है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है आप और अभी भी एक पेपर में आप कार्यरत है, तो वो जो जर्नी रही आपकी ये 25 साल की, उसमें आप जब फील्ड में गए थे तो किस तरह का आपको अनुभव हुआ और किस कोई ऐसा इंसिडेंस हो कि जो आपके लाइफ को मोटिवेट करता हो और आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी यही फील्ड में काम करना है। एक्चुअली मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं मतलब खुद मेरी मोटिवेटर हूँ जी, मतलब, और ना ही तो मेरे कोई गॉड मदर है या गॉड फादर है जी। मतलब मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया है खुद किया है, अपनी लाइनें खुद खींची है जी। तो ये फील्ड में, मतलब मैंने बहुत अखबार में काम किया और हर जगह मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी खड़ी होती थी। और ऐसा नहीं है कि स्पेशली वुमन है इसलिए, मतलब जो भी हमारा क्षेत्र ही ऐसा है जर्नलिज्म का कि जिसमें पड़कार रहते हैं। 1990 में, मतलब
मैं आपको कहना चाहूँगी, जब बहुत राइट्स, पहले गुजरात में बहुत राइट्स होते थे, तभी जब मैंने जर्नलिज्म पास आउट नहीं किया था जी, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, और उसी वक्त मुझे, उस वक्त लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का लोकसत्ता अखबार था, उसमें मुझे जॉब मिल गई। और उस वक्त जहाँ ऑफिस था बड़ौदा में लोकसत्ता का, वहाँ से मेरा जो घर था वो 15 किलोमीटर दूर था, और पूरे टाइम मतलब जो बीच में जो पूरा एरिया आता था वो इतना मतलब डेंजरस था, लेकिन उस वक्त मुझे वो भय का अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना भयजनक है। मैं हमेशा अकेली पूरे रास्ते मतलब मैं जाती थी आती थी, और क्योंकि मुझे कुछ करना था, और मेरी जर्नी मतलब जो इस जर्नलिज्म में स्टार्ट हुई वही मतलब कम्युनल राइट्स का रिपोर्टिंग के साथ ही स्टार्ट हुई। जी, तो ऐसे ऐसे एरिया में मैंने काम किया है, और सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे राइट्स के बारे में बहुत लिखा, लेकिन जब लोगों को दो दो तीन तीन महीने तक मतलब महिलाओं को सब्जी नहीं मिलती थी, बच्चों को दूध नहीं मिलता था, और ऐसे में जाके उन लोगों के से बात की, इंटरव्यू किया, पुलिस वाले जो मतलब एक टेंट लगा के उस समय बड़ौदा अहमदाबाद में बैठे रहते थे मतलब महीनों तक राइट्स के समय, तो उन लोगों की बातों मैंने अखबार में रखी, और जब वो सब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि किसी ने आज तक हमारा इंटरव्यू नहीं किया, हमारी जो मुश्किल है, हमारी जो दिक्कत है, और उनसे उसके बाद उनके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी था। जी 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 हाँ, मुझे मुश्किलें बहुत हुई उसमें, और उस वक्त मैं एकदम नई भी थी जी। तो ये मेरा सबसे पहला पड़का था, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह वो काम किया। उसके बाद जब वहाँ से मैं गुजरात समाचार, सबसे बड़ी बात ये है कि उस वक्त मैं अकेली महिला पत्रकारत्व थी उस वक्त जी, जब जी, गुजरात समाचार बड़ौदा मैंने ज्वाइन किया तो गुजरात समाचार में भी एक भी महिला नहीं थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कुछ बहुत कुछ किया है, जी, लेकिन जी, जी, जी। ये बताने के लिए कि उस वक्त कोई महिलाएं नहीं थी तो भी, हमें तभी भी थोड़ी दिक्कत होती किया। थी जी, काम जी, करने में जी। ये नहीं कि हम लोग प्रिविलेज लेते थे जी 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 वुमेन्स होने का, बल्कि मैं पूरी ऑनेस्टी से अपना काम करती थी। उसके बाद मैं सूरत में आई, जब मैं गुजरात मित्र मैंने ज्वाइन किया था तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिपोर्टिंग मुझे दिया गया था, तो उस वक्त सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने वाली मतलब मैं पहली महिला थी सूरत में। जी जी जी, जी। और उस वक्त मेरे साथ कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में रफत बहन थे जी, वो आया करते थे जी, तो मेरा हमेशा फील्ड इस तरह से ही रहा है। उसके बाद जब मैंने चैनल सूरत में भी मैं थी, आप ही के साथ थी, तो हमने बहुत साथ में काम किया है जी, बहुत जी, लड़े भी है और बहुत काम भी किया है जी, 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 जी। तो उस वक्त पूरा मतलब मैं प्रिंट मीडिया में थी, प्रिंट मीडिया से पूरा मतलब मैं विजुअल मीडिया में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो भी मेरे लिए एक चुनौती थी जी, क्योंकि जी, जी, लिखने वाले को बोलना बहुत नहीं आता है जी, 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 अच्छी जी, तरह से। और फाइनली उसके बाद भास्कर में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैं 12-13 साल तक दिव्य भास्कर में मैंने काम किया, भास्कर शुरू हुआ तब से, और भास्कर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ छीना भी क्योंकि मेरा टाइम मतलब जो मेरे बच्चे को मुझे देना था वो टाइम मैंने भास्कर में दिया था जी 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 और भास्कर में बहुत मतलब हर एक जो एडिशन थी उसमें मैंने काम किया। भास्कर में सेकंड पेज से लेके जो डार्क एडिशन होती है उसमें से लेके सौराष्ट्र समाचार, डीबी गोल्ड इंचार्ज, और फाइनली फ्रंट पेज पे भी मैंने काम किया। और भास्कर में मुझे अच्छा लगेगा ये कहने के लिए कि जो 47 एडिशन है दिव्य भास्कर की, दैनिक भास्कर की, उसमें मैं एक ही ऐसी महिला थी कि जो फ्रंट पेज देखती थी भास्कर का जी जी जी। और मुझे भले ही मतलब उस वक्त हमारे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे ऊपरी थे उन्होंने मुझे एक परमिशन के तौर पे फ्रंट पेज का काम दिया था कि ये महिला नहीं कर सकेगी जी, क्योंकि जी, फ्रंट पेज जो देखते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है जी,
और अगर उसमें एक गलती गई तो वो भास्कर की उस समय जो एडिशंस थी जितनी भी मे बी 70,000 या 75,000 या 1,00,000 वो सारी में वो गलती जाती और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था. लेकिन वो काम मैंने किया और बहुत अच्छी तरह मैं कर पाई तो उन्होंने मतलब मुझे जो पनिशमेंट दिया था उससे तो अच्छा हुआ कि मैं उनको थैंकफुल हूँ उनकी कि मैं उससे अच्छा काम कर सकी और मेरी ताकत बढ़ाई उन्होंने. जी जी जी. और तो हमेशा चुनौतियों को आप अपनी ताकत बनाओ. सही बात है, सही बात है. और उसके लिए एक जुनून होना चाहिए. जिस तरह से हेतल में मैंने देखा है कि हमेशा वो एक जुनून के साथ काम करती है, मतलब वो चैलेंज लेके काम करती है और जो चैलेंज उनको दिया जाता है वो हमेशा पूरी करती है. क्योंकि मैंने काफ़ी सालों तक उसके साथ काम भी किया है तो मुझे भी पता है कि जब भी उनको कोई चैलेंज दी जाती थी, उनको कुछ भी कहा जाता था, वो करके दिखाती थी. मतलब ऐसा नहीं है कि महिला है तो कुछ नहीं कर सकती है. और ये जर्नलिज्म फील्ड ऐसा है कि महिलाओं को फीडबैक भी मिलता है. मतलब फीडबैक जिस तरह से मिलता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी रहता है. एग्जैक्टली. तो जब और बाहर जाके जब पब्लिक के सामने जाके आपको फील्ड में जब वर्क करना होता है तब जो सिचुएशन पैदा होती है और परिवार जब शादी इनकी हो गई उसके बाद की जो उनकी जर्नी थी वो भी हम ज़रूर सुनेंगे. क्योंकि मुझे पता है जब तक कि आने के बाद आपको शायद कहीं और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया था और आप डेली ट्रैवलिंग करती थी, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए. जी हाँ, मैंने भास्कर की दिव्य भास्कर की बड़ौदा एडिशन में भी काम किया है. जब यहाँ पे दिव्य भास्कर 2004 फरवरी में लॉन्च हुआ तो हम लोग उससे पहले से भास्कर में काम कर रहे थे, डमी एडिशन बना रहे थे क्योंकि उसको बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च करना था. और भास्कर में यहाँ पे जबकि मैं बड़ौदा की थी तो जब बड़ौदा में भास्कर जब लॉन्च करने वाले थे तो उन्होंने बहुत जगह से स्टाफ को वहाँ पे हायर किया और रखा. तो मुझे भी बोला गया कि आपको भी बड़ौदा जाना है क्योंकि वहाँ पे सिटी भास्कर शुरू कर रहे हैं. और फाइनली उस वक्त जो मेरा बच्चा था वो बहुत 6 महीने का था. जी जी जी. तो मतलब उसको छोड़ के मेरे लिए बड़ौदा जाना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि पूरा फैमिली यहीं था. फाइनली फिर भी मैं गई और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अप डाउन करूँगी. और मैं सूरत से बड़ौदा अप डाउन करती थी. बहुत दिक्कतें होती थी जब बारिश वगैरह होता था, लेकिन फिर भी मतलब मैं उन सब में खरी उतरी. तो उसकी वजह यही है यामिनी जी कि एक तो मैंने बहुत ऑनेस्टली काम किया है, दूसरा कि मैं हमेशा बहुत मैं जैसी दिखती हूँ या सॉफ्टली बोलती हूँ वैसी नहीं हूँ. आई एम ए वेरी स्ट्रांग वुमेन मतलब जी, और मैं और जो भी ये फील्ड में नहीं, मैं सारी महिलाएं ओके भी ये कहना चाहूँगी कि हमेशा आप बहुत ही स्ट्रांग बने, काइंड बने और ऑनेस्ट बने. क्योंकि एक बात याद रखें कि आपके जीवन में आपकी मदद कोई नहीं करेगा सिवाय आपके, आपको खुद को ही आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी. जी. मतलब कभी भी हार मत मानिए, हार में से आप सीखिए. अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसमें से सीख लीजिए और आगे बढ़िए. जी जी जी. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आप ज़रूर उसमें से कुछ सीखिए, आगे बढ़िए. और लाइक कैसे कि जैसे ऐसे मिट्टी अपने बॉडी से निकाल देते हैं ना, अगर बैठे हैं कहीं तो लग जाती है. मतलब आप उठो फिनिक्स की तरह और फिर से उड़ो. लोगों को बताओ कि आप में भी वो हिम्मत है, आप कर सकते हैं. मतलब बेबाक बन के जियो. जी जी जी. मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी. जी जी बताइए. जैसे आपने कहा कि आपके कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो जब मैं डिबी गोल्ड में थी, एक्सक्यूज मी, जब मैं डिबी गोल्ड इंचार्ज थी उस वक्त, तो डिबी गोल्ड एक ऐसा सेक्टर था दिव्य भास्कर का कि जिसमें बहुत ही एक्सक्लूसिव और जैसे बॉम्ब ब्लास्टिंग टाइप स्टोरी लेते थे. सूरत में उस वक्त वरियाड़ी बाजार बंद हो गया था. जो प्रोस्टिट्यूट वहाँ पे होती थी तो वो पूरा बंद हो गया था. तो
तो इसकी वजह से जो सेक्स वर्कर थे वो सारे अपने जो विवेकानंद ब्रिज है और मजूरा गेट वाला पूरा रास्ता है वहाँ पे वो लोग खड़े रहते थे। वहाँ पे दयाल जी आश्रम भी है जी, तो वहाँ गर्ल्स आती थी, हॉस्टल है उसमें, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो जो वुमेंस थी उनको भी लोग, वो कभी रिक्शा के लिए खड़ी होती थी या आती थी तो वहाँ पे जो लोग जाते थे तो उनको भी वो इसी नज़र से देखते थे। तो ये कंप्लेन हमारे पास आई कि हमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम है, और जो अपने अठवा ब्रिज है वहाँ पे जो अपार्टमेंट है वहाँ के लोगों ने भी हमें कंप्लेन किया। उन्होंने कहा हमने बहुत बार पुलिस में भी दिया लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि ये थोड़ा इनडिसेंट है अगर अखबार में ये सब चीज़ें लिखना और एकदम ओपनली लिखना। सब लोगों के घर में सुबह में अखबार आते हैं तो किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से शुरू किया, एक सीरीज स्टार्ट किया। मतलब बुरा नहीं लगे इस तरह से हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए क्योंकि प्रूफ चाहिए हर चीज़ का। जब अखबार में लिखते हैं इतनी बड़ी स्टोरी अगर लिख रहे हैं तो प्रूफ चाहिए। तो वो सारा हमने पूरा सीरीज चलाया कि कैसे, मतलब हाँ वो सेक्स वर्कर भी अपना मतलब उनका भी एक अलग क्षेत्र है, मतलब उनकी भी रोजी रोटी का सवाल था जी। लेकिन उनके साथ भी बुरे हादसे होते थे, सही लोग उनका फ़ायदा उठाते थे जी जी जी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ऐसा काम कर रही है तो किसी ने उसको ख़रीद लिया है, तो उन सब के लिए, मतलब वो सेक्स वर्कर के लिए भी लड़े, उनके हक के भी लड़े हम, और जो लोगों को दिक्कत होती थी उनके लिए भी आप लड़े जी। तब मेरे एडिटर भोपाल गए हुए थे, बहुत अच्छे थे जो एडिटर है, मतलब वैसे भी वो एकदम वर्सेटाइल उस वक्त जो थे मिस्टर हिरेन अंतानी, लेकिन उन्होंने, उनको ये बात बहुत खटकी कि आप दिव्या भास्कर जैसे अखबार में ऐसा सब कैसे लिख सकते, मतलब छाप सकते हैं जी। फाइनली मतलब मैंने और मतलब हमारे ग्रुप एडिटर के साथ हमारी बहुत फाइटिंग हुई, बहुत डिस्कशन हुई, और मैंने उनको कहा कि जो भी है, मतलब कि हम लोग अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये चाहिए प्रूफ कि यहाँ पे ये सब गलत काम हो रहे हैं, तो मैं उसकी जगह आपको शादी के फ़ोटो तो नहीं लगवा सकती ना जी जी, मतलब जी। जो हो रहा है वही मैं लगवा सकती हूँ ना। और फाइनली दे कन्विंस, मतलब उन्होंने कन्विंस किया और बहुत अच्छा हुआ, उससे हमें लड़कियों की बहुत दुआ मिली। वहाँ पे जो अपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने भी हमारे ये बातों को बहुत सराहना, और एक अच्छा काम हमने किया था उस वक्त जी, कि जी, वो जी, सब काफ़ी, मतलब बंद तो नहीं कर सके हम लोग लेकिन बहुत कम हो गया, और पुलिस को भी मतलब वहाँ पे 24/7 मतलब उनको सिक्योरिटी लगानी पड़ी थी जी 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 जी। बहुत ही, मतलब ये जो आपकी जर्नी रही और उसमें जो आपने बात बताई कि एक पत्रकार की जर्नी, आज हमने आपको बताई कि जब एक महिला पत्रकार होती है उनको किस तरह से फील्ड में काम करना पड़ता है, किस तरह से उनको परिवार को मैनेज करना पड़ता है, किस तरह से, क्योंकि ये 24 आवर्स की ड्यूटी होती है ऑलवेजली, और उसमें काम भी करना, परिवार को भी साथ रखना, परिवार को भी संभालना, इनके साथ ये काम करना, और हर पत्रकार को हमेशा एक चैलेंज ही दी जाती है, चैलेंज के साथ ही उनको काम करना पड़ता है, तभी जो खरी उतरती है। तो ऐसी ही मतलब वुमन्स पत्रकार क्षेत्र में आगे आती है और लॉन्ग टर्म तक, मतलब कि लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक वो आप टिके रहते हो जी, टिके भी रहते हो और कार्य भी अच्छी तरह से आप कर पाते हैं, और लोग आपको भी मतलब सैल्यूट करते हैं कि नहीं ऐसे पत्रकार होने चाहिए, हमारे समाज में ऐसे पत्रकार होने चाहिए जो समाज के लिए है और सोसाइटी के लिए है। तो ऐसे ही हेतल चौहान जी से हमने आज सबको आपको मिलाया। लेकिन हेतल जी, एक और बात कि आप अभी जहाँ पे कार्यरत है वहाँ पे जो आपका रोल है चीफ सब एडिटर का, वो भी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जवाबदारी का काम है। चीफ सब एडिटर बनना कोई इजी बात नहीं है, लंबा एक्सपीरियंस हो, लंबी सफ़र आपने इस फिल्म में की हो और काफ़ी एक्सपीरियंस आपको है, तभी आप कोई एक अच्छे
न्यूज़पेपर की चीफ सब एडिटर रही है, तो यहाँ पे आप क्या, किस तरह से आपकी फील्ड है और क्या कार्य करती है आप यहाँ पे? एक्चुअली भास्कर के बाद मैंने ये नव गुजरात समय ज्वाइन किया, जो बेसिकली जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उस ग्रुप का एक गुजराती अखबार है जी। और उस मतलब अखबार से ज़्यादा भी वो हम वेब पे भी काम करते हैं, एनजीएस की वेबसाइट है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली हम न्यूज़ रखते हैं जी। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मिस्टर अजय उमट जी है जी। और वो बहुत ही जाने माने गुजरात के जर्नालिस्ट है, मतलब गुजरात के क्या देश के जर्नालिस्ट है उमट जी, और उन्होंने हम पे इतना भरोसा किया। और सूरत में हम एक पूरी टीम हमारी है 3 लोगों की और हम लोग यहाँ सूरत से काम करते हैं जी। मेरा पोस्ट तो चिप सब एडिटर का है, जबकि यहाँ पे अखबार नहीं है तो हम लोग उस पे अपना न्यूज़ डालते हैं। मैं इसी में अपना ट्रैवल ब्लॉग भी लिखती हूँ जी 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 जी, वो भी हम बात करेंगे हाँ। कि ट्रैवल ब्लॉगर भी है तो और सोशल मीडिया पे भी लिखती हूँ। तो उसमें तो अभी हमारा काम यही रहता है कि जो स्पेशल न्यूज़ रहते हैं, मतलब रूटीन न्यूज़ नहीं, कुछ अलग होता है तो हम वो ढूंढते हैं और वो लिखते हैं उसमें। जी 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 जी। तो ये जो उसके साथ आपने कहा कि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर भी है, तो वो आप किस तरह से, मतलब ट्रैवल ब्लॉगर का काम भी कुछ ऐसा है कि हमेशा हाँ। वो फ्रंट पे रहना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं जी। एक्चुअली ये जो जर्नलिज्म का हमारा क्षेत्र ही ऐसा है कि बहुत घूमना फिरना रहता जी। है जी। तो और मुझे भी मतलब ट्रैवलिंग मुझे पहले से ही बहुत पसंद है और वो सब रीज़न से ही शायद ये पसंद किया होगा जी। तो मैं जहाँ जहाँ जाती थी, मतलब मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब कुछ भी कोई भी अगर रेलवे स्टेशन पे भी हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कहीं पे भी, तो वो चीज़ जो मैं बाहर जाती थी तो ऑब्जर्व करती थी, तो धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया ट्रैवलिंग के ऊपर और बहुत लोगों ने वो सराहा। इवन हमारे जो प्रेस है उसमें तो फाइनली उन्होंने कहा कि आप ट्रैवल ब्लॉग क्यों नहीं लिखते, और मैंने उसमें स्टार्ट किया। तो उनका ये भी था कि आप अपना ट्रैवल ब्लॉग लिखिए लेकिन उसको NGS नव गुजरात समय की लिंक के साथ सोशल मीडिया पे भी अवश्य शेयर कीजिए जी। और इसी तरह से मैंने जो लिखना शुरू किया, और मैं घूमती भी बहुत हूँ जब भी टाइम मिले तो, क्योंकि बहुत काम किया है जी जी जी। तो उसमें से मतलब ऐसे नहीं, हर लोगों को, हर महिला को भी, मतलब हमेशा ये नहीं है हमें कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो आप कहीं चले जाओ, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और ऐसे करती हूँ और ये मैं ट्रैवल ब्लॉग लिखती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा यमिनी बिन में एक एग्जांपल है मेरे पास और मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें ये सब तो ठीक है लेकिन आज महिलाओं को आज भी मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है, मतलब बात है जी, क्योंकि अभी भी जो छोटी बच्चियाँ है, अब तो बच्चे भी सेफ नहीं है, बच्चियाँ क्या, तो बच्चे भी सेफ नहीं हैं, तो खासकर तो बच्चियों को, या तो मतलब जो भी माता है उन्होंने, मतलब छोटी है जब अपनी लड़की या लड़का, तब से उसको सिखाना चाहिए कि कैसे रहना है और किन लोगों से बच के रहना है। और जब हमें किसी का सामना करना है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। मैंने कहीं स्मृति ईरानी जी को सुना है जी। कोई प्रोग्राम था उसमें एक पंजाब की महिला आई हुई थी, देहाती महिला थी और उसका सम्मान होने वाला था जी। तो वो महिला ने जाके उनसे कहा कि आप जब मेरा इंट्रोडक्शन दे तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन देना कि ये वो महिला है जिन्होंने अपनी बच्ची की हत्या करनी चाही। तो वो चौंक गए कि ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो कि ये महिला का जो मैं सम्मान करने जा रही हूँ जिसने अपनी बच्ची की, 2 दिन की बच्ची की हत्या करनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा। मतलब वो प्रेग्नेंट थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था, उसको फिर से बच्ची आई, लड़की आई, मतलब 2 दिन तक कोई नहीं आए ससुराल वाले, गांव की थी, पंजाब के कोई गांव की। फिर
तीसरे दिन उसका भाई आया, उन्होंने कहा कि देखो बहन, ये जो तीसरी है इसका अगर निपटारा कर दो तो बहनोई तुम्हें इसके साथ स्वीकारने को तैयार है। सुनो, निपटारा कर दो। तो वो घर तो आई लेकिन बच्ची को लेके रात कोई इसी से उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि घर में दो और उसकी लड़कियां थी छोटी छोटी, ये तीसरी थी। वो रात भर सोचती रही कि इसका निपटारा कैसे करो। देन फाइनली सी डिसाइड कि उसने क्या किया, मतलब दो दिन की बच्ची के पूरे कपड़े निकाल दे। पंजाब में ठंड बहुत रहती है, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ती है। उसने वो बच्ची को पूरे कपड़े निकाल के मतलब आंगन में रात को छोड़ दिया खुला, और वो रात भर बैठी रही आंगन में ही उसके बाजू में रोती हुई। बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन वो एकदम सुन होके बैठी रही थी, क्योंकि उसको लगता था मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि गांव में महिलाओं की हालत ऐसी होती है, फिर माता पिता तो उसको स्वीकारते नहीं कि भाई अपने ससुराल ही जाओ। सुबह होते हुए उसकी आँख लग गई थी, लेकिन जब 5 बजे वो एकदम से उठी तो उसने देखा अपनी बच्ची को। उसको लगा कि मतलब वो अभी मेरी बच्ची मर गई है, और ऐसा ही हुआ। उसने जाके देखा तो उसकी बच्ची पूरी नीली पड़ गई थी, पूरी। उसने अपने बच्ची को हाथ में लिया, जैसे ही हाथ में लिया तो बच्ची रोई, आवाज़ किया उसने। फिर उसको वो उसने इतने ज़ोर से कस लिया और इतना बिलक बिलक के रोई, तब उस दिन उसने ठान लिया कि मेरी बच्ची मतलब दो दिन की बच्ची अगर पूरी कायनात से इतनी कड़ाके की ठंड में लड़ सकती है और अगर जी सकती है, तो मैं एक महिला होके अपने पति से नहीं लड़ सकती। वाह क्या बात है, सही बात। और फिर उसी दिन से उसने मतलब, यहाँ मेरा मतलब है पति से लड़ने का, यानी आप डायरेक्टली पति से नहीं लड़ना है, लेकिन उसके जो विचार है, विचार की हम मतलब जो विचारधारा है वो विचारधारा से हमारी लड़ाई है। जो पुरुषों की कुछ विचारधाराएं है, कोई पुरुष से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अपने मन में जो पाल के रखे है उनसे, और वो लड़ी जीती, उसने अपनी बच्ची को बड़ा किया और उस दिन उसका सम्मान था। वाह क्या क्या स्टोरी, मतलब एक मतलब ऐसी बात थी कि महिला की जो बात करें, मतलब उसमें एक शक्ति थी कि वो ऐसा उसने नहीं किया और बच्ची को बढ़ाया, और जो समाज के साथ उनकी लड़ाई थी, उनकी मतलब लड़ाई को छोड़ के उसने खुद सोचा कि नहीं मुझे जो वही मतलब जो नारी शक्ति बोलते हैं ना, तो यही वो शक्ति है कि जब उसने अपनी बच्ची को देख के वो अपने खुद की शक्ति को पहचाने कि मुझ में कितनी बड़ी शक्ति है। और नारियों में हमेशा शक्ति रहती है, और इसीलिए जब हम फेरे लेते हैं तो और कहीं पे बाहर जाते हैं तो कोई कोई लोग हमेशा कहते हैं कि ये पुरुष से 2 कदम पीछे ही चलती है और आगे आगे चलते हैं कभी पुरुष भी, और उस आप देखते हो कि उसके पीछे पीछे वो जा रही है, लेकिन वो पीछे इसलिए चलती है क्योंकि अगर तुम्हारा पति या तुम्हारा जो आदमी है, अगर वो पुरुष अगर लड़ खड़ा जाए तो उसको संभालने की हिम्मत ताकत सिर्फ हम औरतें ही रखती है, और कोई नहीं। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात कही हेतल जी। आज आपकी लाइफ जर्नी के बारे में सुन के हमारे दर्शकों को भी आज बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी सालों बाद आप ऐसे स्क्रीन पे आई है, पहले तो बहुत लोग आपको स्क्रीन पे देखते थे, और हमारे चैनल के द्वारा आपने आपकी जर्नी शेयर की, बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी महिलाओं को एक मोटिवेशन भी मिलेगा। हम यही चाहते थे कि ये हमारा जो शो है वो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेतल जी आपका, और आपने यहाँ पे आके आपकी जो लाइफ जर्नी बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड अभिनंदन करती हूँ आपको। ऐसे ही ये कार्यक्रम, ये शो जो है एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत ये पूरा शो है, और ऐसे ही आत्मनिर्भर महिलाएं और जितनी जो जिनकी सक्सेस स्टोरी है, जिनकी लाइफ जर्नी है, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी है, ऐसी महिलाओं के साथ हम ऐसे ही
वापस ये शो में आएंगे, लेकिन जाते जाते मैं बात कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। तो इसके साथ हेतल जी, हम आपको वापस अभिनंदन करके दूसरे एपिसोड में जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।